बाहर से। तो प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्यों लोगों की जान लेते हो? अगर गाड़ी आपने खरीदी है तो आपका काम बनता है गाड़ी को पार्किंग करें, अपने घर में रखें या ठीक जगह पर पार्क करें। आज ये बच्चा जो पुलिस कांस्टेबल है, जैसे मैं सुन रहा हूँ जो देखा है, 25-26 साल का बच्चा जिसके घर का आज ये चिराग बुझा है, उस घर की क्या हालत होगी? लेकिन बड़ी बेशर्मी की हद है। एक आदमी होता है बेशर्म से ऊपर कोई शब्द नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक दायित्व बनता है, मैं कहता हूँ उस दायित्व को निभाने के लिए कोई आदमी भी अग्रसर नहीं होता है। तो हमारी प्रार्थना है कि कठुआ में कालीबड़ी है, अभी एक घटना हमारी एक बहन जो चली गई कॉलेज के सामने, कहते हैं ये होना चाहिए लेकिन एक दो दिन सिर्फ इसके ऊपर वो होती है, उसके बाद मतलब वो जैसा टिट फॉर वैसे जैसी है वैसा ही बना रहता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त रहेगी, एक बूढ़े आदमी की, एक उसके जो 83-84 साल जिसका अनुभव रहा है, मैं उनको प्रार्थना करना चाहता हूँ क्यों लोगों को। एसएसपी साहब को ये बताना चाहते हैं और ट्रैफिक पुलिस के जो डीटीआई है यहाँ पे, जो हमारे ट्रैफिक के जज साहब हैं, हम इनसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि 10 दिन पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ काले रोड पे, उसके बाद एक दिन यहाँ पे इन्होंने अपनी मुहिम चलाई और गाड़ियां गुड़ियां इन्होंने साइड की, उसके बाद एक दिन का चक्कर होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। और जितने भी जो फुटपाथ है यहाँ पे, फुटपाथ पे देखो आप लोग कितनी इंक्रोचमेंट हुई है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए और इतना जवान लड़का मर गया है। आपके माध्यम से उनके परिवार को संवेदना देना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। और आगे वो एसआरओ भर्ती था, उसका बाप ऑलरेडी पुलिस में था और उसके बाद वो अभी भी